भारत और मालदीव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से शुरू हुआ विवाद अब अलग मोड़ पर पहुंच गया है। पहले बैकफुट पर दिखी मालदीव सरकार के तेवर अब बदल गए हैं। चीन के दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने बयान दिया, जिसके बाद हलचल और तेज हो गई। राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि भले हम छोटे देश हो, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इस बयान के कुछ घंटे बाद ही मोइज़्ज़ू ने भारत को मालदीव से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया। बाद में दोनों देशों के अफसरों की बैठक हुई तो भारत भी इसके लिए तैयार हो गया। इसी कमी को पूरा करने के लिए मालदीव सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मालदीव की मोहम्मद मोइज़्ज़ू सरकार भारत विरोधी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गई है। खबरों के मुताबिक चीन के साथ कई समझौते करने के बाद मोइज़्ज़ू सरकार अब तुर्की के साथ घातक ड्रोन समझौता कर रही है। मोइज़्ज़ू सरकार ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद की कंपनी के साथ 3,70,00,000 के एक समझौते पर साइन किया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन काफी खतरनाक है। तुर्की के ये ड्रोन अर्मेनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुके हैं। भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता आया है। मालदीव की मौजूदा सरकार का कहना है कि वो अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए इन मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। मौजूदा सरकार ने इस ड्रोन डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। इससे पहले भारत ने मालदीव को अपने समुद्री तटों की निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर दिया था। भारतीय सैन्य तकनीकी दल इस विमान की रिपेयरिंग करता था, लेकिन इन भारतीय सैनिकों को मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 मार्च तक चले जाने के लिए कह दिया है। माना जा रहा है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए मोइज़्ज़ू ने तुर्की के साथ हाथ मिलाया है और सैन्य ड्रोन खरीद रहा है। हालांकि इस बात का संकेत मोइज़्ज़ू ने चीन से लौटते वक्त ही दिया था कि वो तुर्की से ड्रोन खरीदने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोइज़्ज़ू ने कहा, हमने अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि पूरे 9,00,000 किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी निगरानी को बढ़ाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही अपनी क्षमता को विकसित कर लेंगे ताकि इस पूरे इलाके का प्रबंधन किया जा सके। यही नहीं, मोइज़्ज़ू सरकार ने तुर्की से सैन्य ड्रोन के लिए रास्ता साफ करते हुए आयात ड्यूटी को भी हटा दिया है। मालदीव की सेना ने अभी डील पर कोई बयान नहीं दिया है। अभी तक भारत और मालदीव की नौसेना मिलकर इस पूरे इलाके की निगरानी करते थे। आपको बता दें कि मालदीव की सेना पहली बार सैन्य ड्रोन विमान खरीदने जा रही है। मालदीव कम से कम 3 लड़ाकू ड्रोन तुर्की से खरीदने जा रहा है। इससे मालदीव की सेना भारत से सटे समुद्री इलाके में 24 घंटे निगरानी कर पाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि भारत और मालदीव की इस तलखी से तुर्की और चीन का काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या लगता है, क्या मालदीव के राष्ट्रपति भारत के पुराने साथ को समझेंगे और भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने के लिए कदम उठाएंगे, या फिर ये दूरी और बढ़ेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ स्टेशन डिजिटल।